पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा साहब के सुपुत्र, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा गुड़ामालानी क्षेत्र से कर्नल सोनाराम जी, और मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, कांग्रेस के जुड़े सभी प्रबुद्ध जन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं दीपेंद्र जी हुड्डा साहब का या बाड़मेर की गुड़ामालानी की पावन धरा पर पधारने पर मैं मेरी ओर से और आप सब की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप दिल्ली से या इतनी दूर पधारे और हमें भुलावण देने के लिए पधारे, इसलिए आप अभी मेरे बाद में आप लोगों को इस चुनाव के बारे में भुलावण देंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको पर अमल करना है। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को सबको इस चुनाव में कर्नल सोनाराम बनना है। कर्नल सोनाराम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप सब लोग इस जिम्मेदारी को लेंगे और घर घर, ढाणी ढाणी, एक एक मतदाता से संपर्क करेंगे, तब जाकर के जो आज जिस मकसद से अपने इकट्ठा हुए हैं वो मकसद सफल होगा। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है, गुड़ामालानी की जनता से पूरी उम्मीद है। गुड़ामालानी की जनता ने हमेशा मुझे जो सहयोग, प्यार, स्नेह जो दिया, उसका मैं आप लोगों का बहुत ही ऋणी हूँ। आप लोगों का ये ऋण मैं, अगर आप लोगों के लिए मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता। मेरे जैसे एक साधारण आदमी को, साधारण परिवार के व्यक्ति को, और इतनी बार विधानसभा में भेजा, ये कोई कम बात नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, सपने में भी, कि मैं कभी एमएलए बनूंगा, लेकिन आप लोगों ने 1980 में मुझे यहाँ से एमएलए बना करके भेजा, और वो भी उस समय मेरे सामने गंगाराम जी जैसे महापुरुष चुनाव मैदान में थे, और आपने मुझे, एक साधारण आदमी को, क्या समझ के मौका दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला नहीं था और ना इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से मेरी कोई जान पहचान थी। फिर भी आप लोगों ने मुझे चुन लिया, इससे ज़्यादा बड़ी और बात मेरे जीवन में क्या हो सकती है। उसके बाद तो फिर आप लोगों से संपर्क लगातार बना रहा, तो आप लोगों ने बाद में भी 6 बार मेरे को यहाँ से चुन करके भेजा है। एक बार भी एमएलए बनने की नहीं सोची मैंने कभी, जिसकी जगह आपने 6 बार एमएलए बना दिया यहाँ से, इससे ज़्यादा आप लोगों का मेरे ऊपर कोई कर्ज हो नहीं सकता। आप लोगों का ये कर्ज मैं नहीं चुका पाया, कोशिश की, एक कितने भी कोशिश की वो कर्ज नहीं चुका पाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मानता हूं। पहले 5 बार, ये छठी बार,
आप लोगों ने मेरे पर जो विश्वास प्रकट किया, भरोसा जताया, उस भरोसे और विश्वास के अनुसार काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विश्वास और भरोसे के अनुसार उतना काम नहीं कर पाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और जो कुछ काम हुआ, थोड़ा बहुत भी, उसका श्रेय आप लोगों को है। मैं उसका श्रेय लेने का हकदार नहीं हूं। जो नहीं हुआ उसका मैं जिम्मेदार हूं, उसका मैं आप लोगों का गुनाहगार हूं। श्रेय आप लोगों को इसलिए जाता है कि आप लोगों ने मुझे आपकी पैरवी करने के लिए भेजा, और अगर आप लोग मुझे आपकी पैरवी करने के लिए नहीं भेजते तो मैं क्या आपके लिए कुछ कर पाता? क्या कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसलिए जो कुछ हुआ उसका श्रेय आप लोगों को है। अगर मैं जो कुछ हुआ उसका श्रेय लेने की मैं कोशिश करूं तो ये मेरी गुस्ताखी होगी। मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आप लोगों का मेरा जो संबंध है वो 44 साल से है, 80 को 44 साल हो गए। बहुत लंबा समय आप लोगों के बीच में गुजारा और आप लोगों ने भी मुझे साथ देने में कोई कमी रखी नहीं। अब फिर आखिरी एक समय होता है, आदमी की भी एक उम्र होती है, काम करने की भी एक क्षमता होती है, फिर आदमी को भी विचार करना चाहिए कि भी अब दूसरों को भी मौका दो। यही बात मैंने कही थी, यही बात मैंने पत्र में लिखी है कि भी दूसरे लोगों को मौका दें। आज अगर हम हमेशा चुनाव लड़ते जाएंगे तो फिर ये हमारे पार्टी के लिए रात दिन दौड़ते हैं, दरिये बिछाते हैं, नारे लगाते हैं, फिर इनका कब नंबर आएगा? ये सोच करके मैंने दूसरे को मौका देने के हिसाब से मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हालांकि मैंने कभी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, न कभी मंत्री पद मांगा। जो कुछ पार्टी ने दिया उसके हिसाब से काम करने की कोशिश की। 1980 में भी गुणामालनी से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आप सबको पता है, बुजुर्ग लोगों को, ये गोर्धन जी वगैरह बैठे हैं इनको पता है, सबको पता नहीं, उस समय के लोग बहुत कम रहे। क्यों? गंगाराम जी के सामने चुनाव लड़ने के वाला कोई किसी की हिम्मत नहीं थी, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने भी मना किया था, टिकट मिल गया था, मिलने के बाद मैं जयपुर गया था यहाँ से बाड़मेर से कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी का आदेश था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने पार्टी के आदेश की पालना की, जब जब भी पार्टी ने जो भी आदेश दिया उसकी हमेशा पालना की। इस बार मैंने जरूर पार्टी के आदेश की पालना करने में कुछ ऐसे महसूस किया अपने आप को। इसलिए अब ये दिल्ली की बात कर रहे थे, मैं 3 बार दिल्ली गया। लोग दिल्ली टिकट लेने के लिए जाते हैं, बाकी तो दिल्ली में क्या रखा है, मेरे को कुछ नहीं दिखता वहाँ, पॉल्यूशन के सिवाय कुछ है नहीं। मेरा तो 3 दिन बाद, एक दिन रात रुका, दम घुटता है, सुबह भागते हैं जल्दी। तो कहने का मतलब, लेकिन मैं 3 बार ही गया, मना करने के लिए गया। अब आप लोग कहेंगे ये आपने तो बहुत गलत काम किया, हम आपको चाहते थे, यहाँ हमने मीटिंग की, इतना किया, फिर भी आपने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात को माना नहीं। मैं आपकी बात को हमेशा मानता हूँ, नहीं मानता हूँ तो आप कह सकते हैं। पिछली बार भी 2018 के चुनाव में भी यहाँ पर गुड़ामालनी में, वहाँ उधर चंपालत जी के बाड़ा किसका है, अचलाराम जी का, अचलाराम जी के बाड़े में मीटिंग हुई थी, यहाँ इस बार हुई उसी तरह की, और फिर धोरी में हुई थी जाट समाज नोरे में, यहाँ और वहाँ दोनों जगह आप लोगों ने कहा था आपको ये एक चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने ये भी कहा था कि पिछला चुनाव आप हार गए, तेरे का चुनाव, एक ही हारा, बाकी सब आपने हमेशा जीते, इसलिए एक बार आपको जीता करके भेजेंगे, हरा के नहीं भेजेंगे। यही बात कही थी या और कोई बात कही थी है? तो वो बात पूरी हो गई। आपने जो कहा वो कर दिखाया,
जीता के भेजने वाली बात कही, आपने जीता दिया और जीता के भेज दिया, फिर बाकी क्या रहा? फिर बाकी कुछ रहा ही नहीं। फिर तो बाकी मैं फिर कहूं, मैं वो तो पिछली बात थी। लोग कहते हैं चुनाव लड़ते हैं तब, कह साहब मेरा ये अंतिम चुनाव है, इस बार मेरे को जीता दो। और फिर दूसरा चुनाव आते हैं तो फिर तैयार हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, हैं अपने मारवाड़ी में कहे ना आखिरी पोतरी, वह पोतरी कभी फाटे ही खोल। और वो हर बार चुनाव में तैयार हो गया, आ नहीं हुए, आ सोचन मैं भाई निर्णय लियो के अपने आगे चुनाव नहीं लड़नो, ठीक रही। अब आप लोग शायद सोचो के लड़तो तो ठीक रहे, तो मोरे काम हूँ काज हूँ दूजे हूँ विश्वास है धन थोड़ा बहुत इन वजह हूँ कहता बोला। जहाँ तक काम काज की बात है, मैंने उस टाइम भी आपको कहा था आपके काम काज के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा। तो मैंने आपको कहा जब तक सांस है आपको छोड़ के जाऊँगा नहीं, आपके बीच में रहूँगा। ज़्यादा समय मिलेगा ज़्यादा आप लोगों बीच में, मेरे कुछ लोगों ने कहा आप टाइम कैसे पास होगा, आप घर कैसे बैठे हो, घर क्यों बैठूँगा, आप लोगों के बीच में घूमता रहूँगा, आपके यहीं रुक जाऊँ, रोटी तो आप खिला ही दोगे, रोटी तो खिला ही दोगे। 25-26 काल पड़ा था, 25, उस समय बहुत लोग तकलीफ में थे, बहुत ज्वार खाई थी बाड़मेर जिले के लोगों ने। 25 मैं भी आया था यहाँ फेमिन में लगने के लिए, कोई सुपरवाइजर लोवार आया था, फिर भीमतल गया।